ब्यूटीफुल। और ये रोड कर्वी, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये एक ब्यूटीफुल राइड के लिए। तो गाइस हम अग्रडंडा जेटी से पहुंचे, लेकिन फेरी जस्ट मिस हो गई, मतलब एक 10 मिनट पहले फेरी निकली यहाँ से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया रहेंगे। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं, मतलब 6 के 6:30 बज चुके हैं। 6 बजे निकलना था, अभी 6:30 हो गए। तो चलो कोई नहीं, थोड़ी लेट ही सही, लेकिन सब पैक हो चुका है और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो घर से शुरू कर रहा हूँ। तो अभी निकल रहे हैं, हमारा एक दोस्त हमारी राह देख रहा है। तो अभी टॉप बॉक्स लग चुका है, सिर्फ टेल बैग लगानी है और फिर निकलते हैं। चलो आपसे रास्ते में मिलते हैं। गणपति अप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बोलो अम्बे मात की जय, हर हर महादेव। सो गाइस ऑलमोस्ट 7:15 हो चुके हैं। 6 बजे का प्लान था निकलने का, काफ़ी लेट हो गया। अभी हमारा जो दोस्त मिलने वाला है हमको, वो पेन के आसपास कहीं पे मिलने वाला है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा हमें वहाँ पहुँचने के लिए। तो हमेशा की तरह हम अभी गणपति जी के दर्शन लेंगे और फिर अपना आगे का सफ़र शुरू करेंगे। तो गणपति जी का मंदिर आपने पहले भी मेरे वीडियो में देखा रहेगा, मेरे घर के पास ही है। ज़बरदस्त ट्रैफिक, ऐसा लग रहा है कि सारा मुंबई से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये देखो राइडर्स। सो गाइस आप मिरर देख सकते हो, ये हमने कल ही लगाए हैं और देखिए इनकी हालत क्या है। तो डबल ब्रेक ग्लास मैंने इसके लिए लगाया ताकि काफ़ी आसानी हो, लेकिन हार्डली हमने 18 किलोमीटर क्रॉस किए हैं और देखिए ये टिक ही नहीं रहे हैं। पता नहीं अभी यार ये 3 दिन में इनको कैसे इस्तेमाल करने वालों को, अभी घाट सेक्शन में, मतलब इतना घाट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत घाट है वहाँ पर और ट्रैफिक होती है, और बिना मिरर के मुझे गाड़ी चलाने की आदत नहीं है। तो अभी इसको देखते हैं यार, कुछ जुगाड़ हो सकता है तो, नहीं तो बहुत मुश्किल है, इसको बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब अभी तक मैंने 2 बार तो एडजस्ट कर लिए। सो गाइस आप देख सकते हो सूरज देवता निकल चुके हैं गुड मॉर्निंग करने के लिए, और ट्रैफिक आज बहुत है, मतलब बेसब ट्रैफिक है। बहुत लोग अभी मुंबई से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हॉलीडे सीजन है। तो गाइस आप देख सकते हो ट्रैफिक मजबूत है, और ये जो जा रहा है दिस इज़ द मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, और अभी हम लोग ये कलम गली में है सर्कल पे। अभी हमको यहाँ से लेना है राइट, तो राइट से हम ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे भी टच करते हैं और ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे भी टच करेंगे। तो यार ये मिरर्स ने बहुत दिक्कत दे रही है, मतलब ये लिटरली है ना, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ओवरटेक वगैरह करने के लिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार ये बाकी की राइड में कैसे करूँगा ऐसे मिरर्स के साथ। सो गाइस अभी हम मुंबई गोवा रोड को टच करने वाले हैं, मतलब यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है और कहीं पे रुकते हैं। मुझे वॉशरूम जाना है और दूसरी बात है ज़रा चेक करना है कि बैग सब ठीक है क्या। सो गाइस अभी हम यहाँ पर रुके थे, अरे अरे ये इंडिकेटर वापस बंद हो गया, कल हमने ये बदला नहीं क्योंकि ये चल रहा था अच्छा खासा। अभी बैग इज इंटैक्ट, कोई टेंशन नहीं है। बाकी सब ठीक ही है, और हमारा जो फ्रेंड है जो हमें ज्वाइन करने वाला है ये 16 किलोमीटर अभी 22 मिनट दिखा रहे हैं। सो इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन द सेम रोड, मेन रोड पे आने वाला है वो। तो चलो चलते हैं, उसको मिलते हैं। सो गाइस अभी हम क्रॉस कर रहे हैं कर्नाला बर्ड सेंचुरी। अब देख सकते हो दोनों तरफ मैंने ये बैरिकेडिंग किया है ताकि जो गाड़ियों का आवाज़ है उससे जो इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो,
और ये बंदरों के लिए ना ये रोड क्रॉसिंग ही है, ऊपर से आप देख सकते हो यहाँ से ही नीचे जाता है फॉर द सेंचुरी। गाइस महेश, तो महेश हमको मिल चुका है थोड़ा पीछे, 4-5 किलोमीटर पीछे ये हमको मिला और अभी हम आए हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। तो आज का ब्रेकफास्ट है सुबह का मिसल पाव, मतलब अभी यहाँ पे मिसल पाव खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे मिसल पाव बहुत अच्छा मिलता है, मैं पहले भी यहाँ पे 2-3 बार आ चुका हूँ, तो मैं आपको बाहर से इसका बोर्ड दिखाता हूँ। A few moments later. So guys, ये है वो रेस्टोरेंट श्री दत्त गुरु फैमिली रेस्टोरेंट, मतलब यहाँ पे मैं बहुत बार आया हूँ और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, मतलब द मिसल एंड ऑल, बट आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द फूड एज वेल एज द सर्विस। एज इन पानी मंगाया, पानी आया नहीं, उसको दूसरी बार हमने मतलब उसको याद दिलाया कि भाई पानी लेके आ, फिर वो पानी लेके आया, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा पाव बोला, पाव तो आया ही नहीं, मतलब लिटरली हम लोग रुक रुक के परेशान होके हम लोग निकल गए, बोला छोड़ जा नहीं चाहिए। सो और महेश है ना यहीं से कमला ना 5-6 किलोमीटर आगे रहता है और वो भी खुश नहीं था, बोला उसने बोला तो मैं आज तक यहाँ पे कभी आया ही नहीं, और मैं बोला नहीं चल यार यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, बट यार रियली डिसअपॉइंटिंग, एटलीस्ट सर्विस दो यार, खाना मतलब टेस्ट 19-20 हो सकता है, बट सर्विस भी नहीं है, पूरा चेंज हो गया शायद से, मुझे लगता है मैनेजमेंट चेंज हो गया क्योंकि पहले ऐसे नहीं था। तो चलो कोई नहीं, सफ़र शुरू हुआ है अभी और बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है हमको, तो मिलते हैं आगे। मुंबई गोवा हाईवे से नीचे उतरे हैं, अभी ऊपर से ये मुंबई गोवा हाईवे जाता है और अभी हम वाया अलीबाग हम लोग जाने वाले हैं, तो आपको तो टाइटल से पता चल रहेगा हम जा रहे हैं हरिहरेश्वर और वो भी कोस्टल रूट से। सो गाइस अब यहाँ पे हम रुके थे थोड़ा कैश निकालने के लिए, क्योंकि मैं निकलते समय कैश लेना भूल गया, यूजुअली आप थोड़ा कहीं दूर आते हो मुंबई से तो कैश भी साथ में रखना ज़रूरी है, क्योंकि सब यहाँ पे आपका QR कोड या कार्ड चलता नहीं है, सब यहाँ से निकलते हैं। ऑलमोस्ट हम अभी पहुँच चुके हैं रेवदांडा, मतलब रेवदांडा थोड़ा आगे ही है, अलीबाग हमने क्रॉस किया, मतलब अलीबाग एज एन सिटी हमने क्रॉस कर दी है, लोग पहुंच चुके हैं रेवदांडा जिटी। सो दिस इज रेवदांडा, हमको उस ब्रिज से जाना है, लेकिन यूजुअली मैं यहाँ पे आया ना तो यहाँ पे मैं आता हूँ बिकॉज ये व्यू बहुत सुपर्ब है। सो गाइस आप देख सकते हो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, और अभी थोड़ा हाई टाइड है क्योंकि यहाँ पे पानी है नहीं, तो यहाँ पे पूरा कीचड़ होता है यूजुअली, तो देयर इज काशी इन इट्स फुल ग्लोरी, और ये अपनी महेश भाई की एक्सपल्स है रैली एडिशन। तो गाइस ये मिरर्स ने मुझे बहुत बहुत दिक्कत दी है, ये मिरर ना यहाँ से नहीं घूमता है, लेकिन ये ना ये जो बॉल है इस पर ये बैठ नहीं रहा बराबर, पता नहीं क्यों यार, ये वाला भी और ये वाला भी हम देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले वहाँ पे थे और अभी हम ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमको राइट लेना है फॉर काशिद, तो अभी यहाँ से हमको हरिहरेश्वर तक जहाँ पे हम लोग का डेस्टिनेशन है आज का, वहाँ तक हमको समुंदर के किनारे से जाना है। भाई एकदम मस्त में झूम रहे हैं, सो गाइस वंडरफुल इट इज, है कि नहीं खूबसूरत, मतलब
पहले भी मैं आ चुका हूँ, आपने शायद से मेरा वो थ्री इडियट वाला वीडियो देखा रहेगा, थ्री इडियट इन काशिद समथिंग लाइक दैट, ऐसी कुछ तो मैंने टाइटल रखा था। मॉइस्चर आ गया इसमें, सुबह इतना ठंडा हो गया था ना, अंदर मॉइस्चर पकड़ लिया। तो गैस बस समझ नहीं आ रहा यार ये कहाँ क्या करूँ इसका, ये मिरर्स ने तो मुझे परेशान कर दिया। हम देख सकते हैं यहाँ पे क्रिकेट का पिच बनाया इन्होंने खेलने के लिए। सामने ये कुछ रिजॉर्ट है शायद से, भाई महेश भाई की गाड़ी पहन लेते समय ऊपर चढ़ाई में झुक गई। गाड़ी की हाइट इतनी है कि बैलेंस होती नहीं है। अब देख सकते हो ये रैली एडिशन है तो ज्यादा ऊंची है ये। देख सकते हो राइट साइड में ब्यूटीफुल, और ये रोड करवी, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये एक ब्यूटीफुल राइड के लिए, एक एंजॉयबल राइड के लिए। और अभी हम वही कर रहे हैं, वी आर जस्ट एंजॉयिंग इट। इस लास्ट टाइम जो आरबीएफ हुआ था, रायगढ़ बाइकर्स फेस्ट, ये इधर पीछे ही हुआ था। एक रोड है जो सीधा बीच तलक जाता है शायद से, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, इसके आगे है। तो यहीं से आगे से जो इसकी एंट्री थी वो यहाँ से एंट्री थी इसकी। सो गाइस आप देख सकते हो अभी गूगल मैप लगाया हमने, तो यहाँ से हम जा रहे हैं अगरडांडा जेटी, जो 17 किलोमीटर्स है, 39 किलोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ तक तो हम आए हैं पहले भी लेकिन इसके आगे कभी गया नहीं मैं, तो इसके लिए अभी मैप की ज़रूरत है। और मेरे से परेशान कर रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे महेश भाई पेट्रोल भरने के लिए रुके हैं, और अभी गर्मी महसूस हो रही है, मतलब धीरे धीरे से धूप बढ़ रही है। सुबह तो अच्छी खासी ठंड थी, मतलब इट वाज नॉट एग्जैक्टली चिलिंग बट इट वाज ओके, लेकिन अभी थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। जब ये गाड़ी चलती है तभी कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही रुकता है तो वैसे ही पसीना आता है अंदर। तो वी आर स्टिल लाइक 16 किलोमीटर्स टू अगरडांडा जेटी। तो अगरडांडा जेटी से हमको लेनी है फेरी, यस हम फेरी में गाड़ी डालेंगे और फिर उस तरफ जाएंगे। सो दिस इज अ पैलेस ऑफ सम किंग, वहां पे पीछे लिखा था मराठी में, मैं पढ़ नहीं पाया बाद में, लेकिन मैं आपको सबटाइटल्स में दे दूंगा। इट वॉज अ रियली ब्यूटिफुल पैलेस हाउस, अब कुछ भी बोल सकते हो, बहुत पुराना था, थोड़ा सा डिप्लीटेड है कंडीशन। और यहाँ पे भी आप देखोगे ना काफ़ी सारी दीवारें हैं, पीछे भी थी काफ़ी सारी। एंड ऑन द राइट इज द अरेबियन सी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाइस। तो मतलब पहाड़ों से है ना समुंदर को देखने में अलग मजा आता है। तो महेश भाई आगे निकल चुके हैं, तो चलो अभी हम जाते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, काफ़ी लेट हो गया ये फोटो वीटो के चक्कर में। हम पहुंच चुके हैं ये अगरडांडा विलेज गांव, और इसी के बीच से हमको जेटी पे जाना है। इट्स शोइंग ओनली 2 मिनट्स, मतलब हम पहुंच ही गए हैं। रोड इज़ वेरी ब्यूटिफुल, मतलब रोड गंदा है, बहुत खड्डे हैं, बट ओवरऑल इट्स ब्यूटिफुल।
वैसे भी ये मुंबई में कहाँ पे देखने मिलता है। तो बस मुझे एक ही टेंशन है कि यार ये जो भी फेरी है वो निकल ना जाए, क्योंकि एक ही घंटे की बात होती है। तो एक बार हम उस पर चढ़ जाएंगे फिर टेंशन नहीं, यार आराम से फिर बात कर सकते हैं। तो चलो मैं पहुंचता हूँ, बाद में आपसे मिलता हूँ। अरे बाप रे, एकदम पहुंच चुके हैं आगर डंडा जेटी। अभी यहाँ से हमको टिकट निकालना है, अभी देखते हैं फेरी का टाइम कितने बजे का है। कितनी देर टाइमिंग आता? हाँ अत्ता गेली क्या? तो गाइस हम अगर डंडा जेटी से पहुंचे लेकिन फेरी जस्ट मिस हो गई, मतलब एक 10 मिनट पहले फेरी निकली यहाँ से। तो अभी 1 घंटा हमें रुकना पड़ेगा। मैं भगा भगा के आया गाड़ी यही सोच के कि फेरी मिलनी चाहिए, लेकिन अफसोस। चलो ठीक ठीक है, कोई नहीं, अभी यहाँ पे शुगर केन जूस पीते फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस अभी पिया जा रहा है शुगर केन जूस, क्योंकि 1 घंटा यहाँ पे हमको कुछ करने के लिए है नहीं, खाएला नहीं खाए बैठना। तो पीते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर आगे बहुत दूर जाना है हमें। 2000 years later. Okay. ओहो ये क्या है भाई? ओके ये अच्छा है। तो डालता हूँ स्टैंड पे इसकी माँ का। कट कट तो गाइस आप देख सकते हो काशी फुली लोडेड, मतलब महेश भाई ने भी अपना सामान यहाँ पे रखा है फिलहाल के लिए, क्योंकि उनकी गाड़ी है वहाँ पे, यहाँ पे धूप में खड़ी है। अभी छोटी गाड़ियाँ जो है कार्स वो सब अभी लोड हो जाएगी इसमें, और बाइक्स सब हो गई है, मतलब लाइन से अभी लगाया है बाइक। अभी ये जो स्पेस है यहाँ पे बड़ी गाड़ी आएगी, इसका रेट कितना है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सो गाइस इसमें ट्रक भी आता है, बस भी आता है, छोटी गाड़ियाँ भी आती है, बाइक्स भी आती है, लोग भी आते हैं। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और करीब इसको 15 मिनट्स लगेंगे। इसका जो रेट चार्ट वगैरह है जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था तो आप उसको रेफर कर सकते हो। ओ जो गांव दिख रहा है आपको सामने दैट इज दिघी गांव। तो हम अभी पहुंच रहे हैं दिघी जेटी, मतलब अगरदंडा से दिघी के लिए ये फेरी है जिसका कॉस्ट है 55 रुपीज़, विच इंक्लूड्स अ मोटरसाइकिल एंड वन पर्सन, इंडिविजुअल बंदे का है 30 रुपीज़।
गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं दिघी जेटी और अभी यहां से निकलेंगे और अभी हरिहरेश्वर तक के लिए हमको सीधा रोड है। सो दिस इज द ओनली फेरी क्रॉसिंग वी हैव। वैसे और भी एक कर सकते हैं अगर कल हम कहीं घूमने जाते हैं तो, लेकिन फिलहाल के लिए तो यही है। चलो महेश भाई आगे हैं, यहाँ पे रुकते हैं कुछ खाते हैं, यार बहुत भूख लगी है। हेलो गाइस, वीडियो लंबा होने की वजह से आज का ये वीडियो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। होप सो अब तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो देखने के लिए बने रहिए।